मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने व्याकरण भाग के अंतर्गत जो है शब्दों के भेद को हमने विस्तृत अध्ययन किया है, आज दिनांक 6 जनवरी 2021 आज हम उसी पर फिर से जो है एक बार विषय का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा की दृष्टि से शब्दों के भेद। यह महत्वपूर्ण विषय होने के कारण आज हम फिर से इसका अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो इस प्रकार है तो आज का विषय है हिंदी भाषा की दृष्टि से शब्दों के भेद। देखिए, हिंदी भाषा में बहुत सारे संस्कृत शब्द हैं, अरबी, पारसी, अंग्रेजी शब्द हैं। तो अब हम इसे एक व्यवस्थित रूप में अध्ययन करेंगे और हिंदी भाषा को जो इतनी बहुत बड़ी जो शब्द भंडार है उसे किस प्रकार हम भेद किए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो भेद इस प्रकार हैं, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। तो इन चारों में से तत्सम शब्द में और एक उप भेद आता है जो है अर्ध तत्सम शब्द, अर्धा होता है। तो हम आज तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का अध्ययन विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले इन सब को समझने से पहले इनकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे, जो इस प्रकार है तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् जमा सम से मिलकर क्या हुआ, तत्सम शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी उसके समान। यहाँ पर इक्विवेलेंट कहते हैं ना, वैसे अर्थात संस्कृत भाषा के समान। तो परिभाषा इस प्रकार है, तो देखिए संस्कृत के समान यानी हिंदी भाषा में आज भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हम जो है प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो कवि हैं, लेखक हैं, वो हिंदी में संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कर्ण है। ऐसे जो शब्द हैं तो हम अभी यहां पर उदाहरण देखने वाले हैं। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द हैं वह हम हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ही प्रयोग करते हैं, उसका तोड़ मरोड़ जो है नए शब्द हम नहीं बनाया है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द यानी इतना ही समझना है कि संस्कृत शब्द हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में जो हिंदी शब्दों को प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अन्न, किरण, कर्तव्य, ग्राम, घृणा, क्षति, क्षमा, ज्येष्ठ, दंड, तीर्थ, धर्म, पवन, धैर्य, परीक्षा, व्याख्यान, पर्व आदि जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, जो हिंदी में भी अन्नदाता कह लीजिए ऐसे जो शब्द हैं हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। तो हम तत्सम शब्द और अगला जो है तत्सम शब्द की हम परिभाषा देखें, जो आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर संस्कृत के शब्द जो है हिंदी भाषा में प्रयोग करना होता है। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव यानी देखिए तद्भव शब्द तत् जमा भव से बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित। देखिए यहाँ पर संस्कृत शब्द हो या उनके शब्दों को भी हमने क्या कर दिया है, अपने जो हिंदी भाषा में ही हमने विकसित किया है, उत्पन्न किया है। कर्ण के लिए
जो कान है, ऐसे शब्दों का हमने आम्र के लिए आम, ऐसे कुछ शब्दों को हमने परिवर्तन या विकसित किया है। तो परिभाषा देखेंगे किस प्रकार है। जो शब्द मूलतः संस्कृत भाषा से विकृत यानी उससे विकसित या विकृत यानी अलग सा जो नयापन आना, विकसित या परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं, हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव यानी समझ में आया, संस्कृत शब्दों को हमने क्या किया है, हमारे ही हिंदी भाषा में उसके लिए अलग से शब्द बनाए हैं। जो अलग से जो शब्द बनाए हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आपको समझ में आया, तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों को ज्यों के त्यों प्रयोग करना, और तद्भव शब्द है जो संस्कृत के शब्दों को हमने नए वाले परिवर्तित शब्दों को निर्माण शब्दों का निर्माण किया है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो अब हम इन दोनों तद्भव शब्द के उदाहरण देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए, जैसे कि श्रावण जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है, उसका हमने तद्भव कर लिया सावन। उसी प्रकार सप्तम, सप्तम का हमने तद्भव रूप कर लिया सातवा। सत्य के लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया सच। उसी प्रकार लौह के लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया लोहा। रात्रि के लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया रात। ऐसे इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, अर्ध तस्तम किसे कहते हैं देखेंगे। तो तस्तम शब्द के वहां पर जो है अर्ध तस्तम शब्द भी आते हैं। जैसे देखिए यहां पर अर्ध तस्तम शब्द वह हैं जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए गए हैं। सीधे संस्कृत से ज्यों के त्यों लेना है और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखिए हम जल्दी आओ, जल्द आओ जो है हमने वहां परिवर्तन कर लिया, जल्दी आओ। हम क्या करते हैं उसमें, जल्दी आओ ऐसे हम उसमें क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं जो है। ऐसे अर्धतस्त मैंने संस्कृत के शब्द हैं, जब प्रयोग करते समय इसमें थोड़ा थोड़ा ही परिवर्तन आता है। जैसे शब्दों के मुखांतर हम देखेंगे किस प्रकार होता है, जरिए देखिए यहां पर। जैसे देखिए कृष्ण है तो हम कर लिया किसुन, अग्नि के लिए अगीन, यात्री के लिए जात्री, कर्म के लिए कम, अक्षर के लिए अक्षर और ज्ञान के लिए ज्ञान। जो हमारे सुविधा के अनुसार हम जो शब्दों का निर्माण किया उसे हम अर्धतस्तम शब्द कहते हैं। तो आपको समझ में आया तस्तम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, और अर्धतस्तम शब्दों में जो तस्तम शब्द को बार बार प्रयोग करने से जो नए उसमें अर्थ में थोड़ा बहुत या शब्दों में परिवर्तित आता है उसे हम अर्धतस्तम शब्द कहते हैं। तो अब हम तस्तम शब्दों को तद्भव शब्दों में किस प्रकार रूपांतरित या परिवर्तित किया है उसे देखेंगे। तस्तम शब्द तो वही रहेंगे जो आप कहीं जो कहानी उपन्यास निबंध में देखे होंगे, कविताओं में देखे होंगे, उसके लिए हमने तद्भव यानी परिवर्तित शब्दों का निर्माण किया है जो इस प्रकार है। यहाँ मैंने सूची बनाई है, उसे आप ध्यानपूर्वक देखिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। तो यहां पर देखिए तस्तम शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं और अगला है तद्भव शब्द। तो देखिए यहां पर तालिका देखेंगे हम। जैसे यहां पर अग्नि के लिए तद्भव शब्द है आम, अक्षी के लिए तद्भव शब्द है आंख, उदय के लिए तद्भव शब्द है आज। उसी प्रकार अगली तालिका देखेंगे जो इस प्रकार है, आम्र के लिए तद्भव शब्द है आम, आश्चर्य के लिए तद्भव शब्द है अजरज, आमलक इसके लिए तद्भव शब्द है आंवला, उच्च के लिए
तद्भव शब्द है यानी नया परिवर्तित ऊंचा। अलुक के लिए तद्भव शब्द है उल्लू। आगे देखेंगे, देखिए क्षत्रिय के लिए हमने तद्भव शब्द में कर लिया खत्री। उसी प्रकार कंकन के लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया कंगन। कज्जल, कज्जल ये संस्कृत तत्सम शब्द है, उसके लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया काजल। कदली, इसके लिए हमने तद्भव शब्द केला, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। कर्पूर, इसके लिए हमने कपूर ऐसे बना लिया है। कपोत शब्द का तद्भव शब्द है कबूतर। देखिए कपोत जो है कविये आज भी कवियां जो है प्रयोग करते हैं, लेकिन कबूतर हमको ज्यादातर याद रहता है। आगे देखेंगे अगली सूची, काक का तद्भव शब्द है कौवा। काकद्वय यानी दो कव्वे, ऐसे जो हैं आप बहुत सारे शब्द जो है प्रयोग में देख सकते हैं। कोकिला जो तद्भव शब्द है कोयल, ये हिंदी भाषा में जो हमने परिवर्तित कर लिया है। कुंभकार, कुंभकार के लिए हमने कुम्हार ऐसे शब्द बना लिया है। गर्धव, गर्धव यानी जो है तद्भव शब्द है गधा। गोधूम, इसका तद्भव शब्द है गेहूं। घट शब्द के लिए तद्भव शब्द घड़ा है। उसी प्रकार आगे देखेंगे, चंद्रिका इस शब्द के लिए तद्भव शब्द है चांदनी। चित्रक, तद्भव शब्द है इसका चीता। जव, इसके लिए तद्भव शब्द है ज्यों। तिलक के लिए तद्भव शब्द है टीका। देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यह सातवीं कक्षा के लिए नहीं, आगे आप कोई भी जो स्पर्धात्मक परीक्षा लिखते हैं उसमें ऐसे शब्द आ जाते हैं कि धरित्री, धरित्री के लिए जो आज का परिवर्तित तद्भव शब्द है उसे हम धरती कहते हैं। ऐसे शब्द जो हैं आज भी दिया जाता है, इसीलिए आप सातवीं कक्षा से ही ऐसे तत्सम और तद्भव शब्दों का जानकारी हासिल करें, ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। नापित, नापित यानी जो है तद्भव शब्द है नाई। उसी प्रकार अगली सूची देखेंगे, देखिए हाँ प्रतिछाया, इसका तद्भव शब्द है परछाई, परछाई। उसी प्रकार परस्वम, इसके लिए हमने परसो ऐसे शब्द बना लिया है। पर्यंक, इसके लिए तद्भव शब्द है पलंग। उसी प्रकार परसु, इसके लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया फरसा। उसी प्रकार भ्रमर जो है भ्रमर गीत, सूरदास के भ्रमर गीत जो है भ्रमर, ये संस्कृत या तत्सम शब्द है, उसके लिए हमने तद्भव शब्द बना लिया भौरा। उसी प्रकार भ्रू, भ्रू के लिए हमने भौ ऐसे तद्भव शब्द बनाया है। उसी प्रकार अगली तालिका है, यहां पर देखिए मक्षिका, इसका तद्भव शब्द है मक्खी। उसी प्रकार मशक, यह तद्भव शब्द इसका मच्छर है। उसी प्रकार मरखटी, मरकटी जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव शब्द है मकड़ी। उसी प्रकार राधनी, राधनी के लिए तद्भव शब्द है रानी। उसी प्रकार लवंग जो है संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, इसके लिए तद्भव शब्द है लौंग। उसी प्रकार लोमसा, लोमसा के लिए तद्भव शब्द है लोमड़ी ऐसे हमने बनाया है, परिवर्तित किया है। आगे है यहाँ पर देखिए वर्ता, वर्ताक, वार्ताक, इसके लिए हमने तद्भव शब्द जो परिवर्तित शब्द है बैंगन। उसी प्रकार श्रृंग, श्रृंग के लिए परिवर्तित शब्द है सिंग। उसी प्रकार स्तन, स्तन के लिए हमने तन ऐसा परिवर्तित शब्द बना लिया है तद्भव शब्द।
हरिद्रा, देखिए बहुत आप हरिद्रा ऐसे प्रयोग किया जाता है, इसका तद्भव शब्द है हल्दी। हस्त, हस्त, हस्त के लिए हमने परिवर्तित तद्भव शब्द है हाथ। अग्रवर्ती, इसके लिए तद्भव शब्द है अगाड़ी। उसी प्रकार अगली सूची देखेंगे हम, मनीचिका, इसका देखिए मनीचिका दिख गया। और तद्भव शब्द है हिंदी में हम प्रयोग करने वाला परिवर्तित शब्द मिर्च। देखिए मनीचिका याद में रखिए, दिखने में शब्द जो है थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन इसका हम हिंदी में मिर्च किया है, यह तत्सम शब्द है मनीचिका। स्वर्ण के लिए हमने तद्भव शब्द बनाया सोना, परिवर्तित शब्द लोहाकार। लोहाकार यानी हमने लोहार, ऐसे तद्भव शब्द है। राजपुत्र, इसके लिए तद्भव शब्द है राजपूत। उसी प्रकार लक्ष्य, इसका तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है लाक। उसी प्रकार यज्ञोपवीत, इसके लिए तद्भव शब्द है जनेऊ। आगे देखेंगे मातुल, तत्सम शब्द के लिए तद्भव शब्द है मामा। भगिनीय, भागिनीय, इसके लिए तद्भव शब्द है भानजा, भानजा। उसी प्रकार प्रस्तर, प्रस्तर के लिए तद्भव शब्द है पत्थर। उसी प्रकार नारिकेल, नारिकेल के लिए हमने तद्भव शब्द है प्रयोग किया है नारियल। उसी प्रकार धूम्र, धूम्र के लिए जो है तद्भव शब्द है धुआं। उसी प्रकार चंचू, चंचू के लिए जो हमने तद्भव शब्द बनाया है चोंच। इस प्रकार जो है तत्सम से तद्भव शब्द में हमने परिवर्तित जो है विकसित रूप आप देख सकते हैं। अगला है देखिए यहां पर गोपालक, गोपालक का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है ग्वाला, जो गाय चराता है। कुमार, इसका तद्भव शब्द है कुंवर। उसी प्रकार आज भी हमने कुमार और कुमारी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन कुवर ये जो है हिंदी का जो तद्भव शब्द है। कदली, इसका तद्भव शब्द है केला। उपालंब, इसका तद्भव शब्द है उलाहना। उसी प्रकार अम्लिका, देखिए आपको मुंह में पानी आ जाएगा, अम्लिका का तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है इमली। इमली सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। उसी प्रकार इस प्रकार हमने इस वीडियो में व्याकरण भाग के अंतर्गत शब्दों के भेदों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने चार प्रकारों में से दो प्रकार, जो तत्सम शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग में आए हैं हिंदी भाषा में, और इसका उपभेद है जो अर्ध तत्सम, जो भाषा में प्रयोग करते समय थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है, उसे हम अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद तद्भव शब्द, जो संस्कृत के शब्दों को या तत्सम शब्दों को हमने अपने ही भाषा में जो है परिवर्तित या विकसित किया है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार आपके लिए गृह कार्य है, आप भी जो है इसकी तालिका बनाकर एक जगह तत्सम शब्द, दूसरी जगह तद्भव शब्द का ऐसे दो कॉलम बनाकर इससे भी जो अलग से आपको शब्द मिलते हैं तो उसे संग्रह करके लिखकर रखना है, यही आपके लिए गृह कार्य है। इस प्रकार आज हमने तत्सम और तद्भव का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम जो है दूसरे दो भेदों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।